नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में छेड़छाड़ और मारपीट की नाबालिग पीड़िता के साथ जांच के नाम पर पुलिस वालों ने शर्मसार कर देने वाली हरकत की है। आरोपी की थाने में एक महिला सिपाही ने आरोपी के सामने ही नाबालिग के कपड़े उतरवाए और फोटो खींचे। इस घटना का नाबालिग के दिमाग पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाबालिग को लगातार दौरे पड़ रहे हैं। उधर मामले की जानकारी होने पर कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मामला कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र का है। यहां 16 वर्षीय किशोरी 10वीं की छात्रा है। किशोरी के पिता का कहना है कि गांव का रहने वाला एक आरोपी युवक बेटी को परेशान करता है, स्कूल से आते जाते वक्त उसके साथ छेड़छाड़ करता है। पिता ने बताया कि आरोपी ने बेटी के फोटो को एडिट करके उन्हें अश्लील बना दिया और फिर वायरल कर दिया है। आरोप है कि 3 सितंबर को आरोपी ने नाबालिग बेटी को रास्ते में घेर लिया, उसका फोन छीन लिया और मारपीट की। बेटी ने घर आकर जब मामले की जानकारी परिवार वालों को दी तो उनकी होश उड़ गई। उन्होंने साढ़ थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ पोक्सो समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया। आरोपी गिरफ्तार हो गया। पिता का कहना है कि पुलिस ने जांच के लिए बेटी को थाने बुलाया था। थाने में एक महिला सिपाही ने जांच के नाम पर आरोपी के ही सामने बेटी के कपड़े उतरवाए और फोटो खींचे। ये देख बेटी बुरी तरीके से डर गई है। डर इस कदर उसके दिल में बैठ गया कि उसे दौरे पड़ने लगे हैं। पिता ने आनन-फानन में किशोरी को कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने बताया कि सदमे के कारण किशोरी की तबीयत खराब हो गई। उधर मामले की जानकारी होने पर कानपुर पुलिस कमिश्नर ने ADCP दक्षिण और घाटनपुर के SCP को जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर कानून के जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी नाबालिग को थाने में बुलाया नहीं जा सकता है, साथ ही वर्दी में उसके साथ पूछताछ भी नहीं की जा सकती है। तो बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फिलहाल दोस्तों, पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।